नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूके पीएससी की नई भर्ती 2023 के बारे में। दोस्तों इसमें कुल पद रहने वाले हैं 120 प्लस। क्या इसकी आयु सीमा रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, कब इसकी परीक्षा होगी, दोस्तों इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत स्पेशली वीडियो होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यूके पीएससी का परीक्षा कैलेंडर देखें दोस्तों, जो कि 27 जनवरी को आपका आया था। और इसमें दोस्तों अगर आप 15th नंबर का दोस्तों आप पोस्ट को बात करें दोस्तों, ये है राजस्व परिषद सचिवालय प्रशासन महाधिवक्ता कार्यालय एवं यूके पीएससी के अंतर्गत दोस्तों सम्मिलित समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023। दोस्तों यहां पर अभी तक दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपका अप्रैल या फिर मार्च के लास्ट में आने की दोस्तों पूरी संभावना। हालांकि दोस्तों इसकी डेट नहीं दी गई है, लेकिन दोस्तों इसकी जो परीक्षा की डेट है दोस्तों वो घोषित की गई है 18 जनवरी 2023। तो दोस्तों ये सबसे मोस्ट अवेटेड भर्ती में से एक है दोस्तों। इसमें कुल मिला के 120 प्लस पद दोस्तों आपके आने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों ये खबर पूरी की पूरी कंफर्म है, 120 से आगे पीछे दोस्तों आपके पद रहेंगे। अब दोस्तों इस परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके एडवर्टीजमेंट की। दोस्तों ये है यूके पीएससी का 2016 का सचिवालय और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन। दोस्तों उस समय पर उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट निकली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के 181 दोस्तों पद निकाले गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 181 दोस्तों ये पदों के लिए ये भर्ती दोस्तों आपकी निकाली गई थी, ठीक है ना। इस समय पर दोस्तों जब भर्ती की बात करें तो आपके रिक्तियों की कुल संख्या दोस्तों आपकी 120 या 120 प्लस हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और भी गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर सचिवालय और यूके पीएससी के अलावा दोस्तों राजस्व परिषद और महाधिवक्ता कार्यालय, ठीक है ना, महाधिवक्ता कार्यालय, यहाँ भी दोस्तों आपका पोस्ट निकलने की बात की गई है। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है वो 120 से ज़्यादा हो सकती है। देखिए मैं जहाँ यहाँ पर 120 पोस्ट की जो बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सचिवालय और यूके पीएससी के अंतर्गत। अब लेकिन यहाँ पर राजस्व परिषद और इसके अलावा आपका महाधिवक्ता कार्यालय भी है, तो वहाँ पर कितने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की आवश्यकता है तो वो तो अब समय आने पर ही पता लगेगा। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पोस्ट की संख्या फिलहाल बढ़ सकती है, फिलहाल लेकिन हम दोस्तों मान के चलते हैं कि मिनिमम इतनी तो आनी चाहिए। ओके, अब हम दोस्तों बात करेंगे कि भाई सचिवालय में या आप अगर महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले इसका वेतनमान देखिए, लेवल 8 है 4800 ग्रेड पे, जो कि बहुत अच्छा है। पद का स्वरूप दोस्तों ये आपका अराजपत्रित पद होता है, समूह गौ के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अस्थाई है, मतलब कि यानी कि अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ये दोस्तों इसका फिलहाल आता है। इसके अलावा अब अगर इसके अनिवार्य शिक्षकर्ता की बात करेंगे तो आपको सिंपली क्या है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि चाहिए और या फिर उसके समकक्ष कोई भी आपकी अर्हता होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर पर आपको हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन की आपकी गति होनी चाहिए, ठीक है, ये है केवल समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय हेतु, ठीक है ना, अदरवाइज आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्यूटर का जो आपका आधारभूत ज्ञान है उसके लिए आपका एक टेस्ट होगा, तो उसमें दोस्तों आपसे विंडोज़ एंड इंटरनेट और इसके अलावा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, ठीक है ना, एमएस एक्सेल, ठीक है ना, ये दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट, तो एक्सेस हो गया, चाहे आपका एक्सेल हो गया या फिर पावर पॉइंट हो गया, ठीक, तो ये दोस्तों आपको आनी चाहिए। तो एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एमएस वर्ड है, विंडोज़ है, आपका इंटरनेट है, इसके बारे में दोस्तों आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि दोस्तों जब आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा तो ये दोस्तों आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, इसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। अब इसके बारे में पूरे अच्छे से जानेंगे। बाकी बात करें अधिमानी अर्हता की, अधिमानी अर्हता में अगर आप दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में दोस्तों अगर आपकी 8000 की डिप्रेशन की गति अगर आप निकाल लेते हैं तो वहाँ पर दोस्तों अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा आपको अधिमान दिया जाएगा, ये भी दोस्तों केवल समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय हेतु है, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य अधिमानी अर्हता में अगर आपको दोस्तों प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में अगर आपने सेवा की हो या फिर आपके पास नेशनल कैडेट कोर का यानी कि एनसीसी का अगर आप भी प्रमाण पत्र रखते हैं
तो भी दोस्तों आप यहाँ पर आपको अधिमान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी समीक्षा अधिकारी की। सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पर आप इसका वेतनमान दोस्तों देख सकते हैं, यह है लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे। पद का स्वरूप अगेन अराजपत्रित है, समूह गौ के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा ये NPS यानी कि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगेन भारत में विधि द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक, अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर उसके समकक्ष हैं, तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण के आपका 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगेन आपसे कंप्यूटर का जो आपसे आधारभूत जो आपका ज्ञान लिया जाएगा, वो आपको विंडोज़ इंटरनेट हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, और पावर पॉइंट, इसका आपको दोस्तों आना चाहिए। अगेन दोस्तों इसकी भी कंप्यूटर की आपकी एक परीक्षा होगी जो कि अगेन क्वालिफाइंग नेचर होगी। ये दोस्तों आपकी मेंस के बाद होती है। ठीक है ना, तो 40% दोस्तों आपको यहाँ पर अनिवार्य है, इसके अंक दोस्तों आपके मेंस परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, अधिमानी अर्हता फिर वही चीज है कि अगर आप दोस्तों अंग्रेजी में, हिंदी टंकण तो आपको निकालना अनिवार्य है, लेकिन आप अगर अंग्रेजी टंकण में भी 9000 की डिप्रेशन की पर आर की गति दोस्तों अगर आपको रखते हैं तो आपको अधिमान अंक दिए जाएंगे। अन्य अधिमानी अर्हता में फिर वही प्रादेशिक सेना में अगर आपको न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि आपने की हो, इसका आपको अधिमान मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास NCC का 20 सर्टिफिकेट है तो भी दोस्तों आपको अधिमान मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी आयु सीमा की, तो आयु सीमा दोस्तों इसकी 21 से 42 वर्ष है। फिलहाल दोस्तों ये पुराना 2016 का एडवर्टीजमेंट है, तो अभी आपके दोस्तों अगर आपको कोविड के कारण 1 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जा सकती है, तो 21 से दोस्तों आप इसको 43 वर्ष मान के चलिए, तो इस समय पर आपको 21 से 43 वर्ष आप इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप SC ST या फिर OBC श्रेणी से दोस्तों बिलोंग करते हैं, तो विभिन्न श्रेणियों के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको उच्च सीमा पर छूट अलग से मिलेगी। SC ST के लिए जैसे 5 वर्ष की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट आपको मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देखिए उस समय पर तो सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता थी, फिलहाल अभी नहीं है। बात करेंगे दोस्तों कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जरा मैं आपको प्रॉपर दोस्तों एक जियो दिखा दूं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन आवेदन के लिए पात्र है, तो आवेदन हेतु पात्रता क्या है ध्यानपूर्वक देखिएगा। उत्तराखंड लोक सेवाएं की परिधि के बाहर समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों की भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसमें अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। तो पहले तो दोस्तों आपको क्या है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर आपने यहाँ से किया है तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, या फिर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, या फिर उसके अधीन किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पद में हैं, नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक हैं, या फिर अगर आप केंद्र सरकार में हैं, केंद्र सरकार की किसी पोस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम में नियमित पद में है, रेगुलर पद में है, नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, और आपकी जो सर्विस है उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, या फिर आपके पुत्र पुत्री हैं, वो भी दोस्तों आपके क्या कर सकते हैं, आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए कि अगर आप दोस्तों यहाँ पर सैनिक या अर्धसैनिक बल पे काम करते हैं, आपकी सेवा को उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपकी सेवा यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, तो आपके पति पत्नी बच्चे आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, इसके अलावा राज्य के जो स्थायी निवासी हैं वो भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा राज्य के वो स्थायी निवासी जो कि उत्तराखंड से बाहर फिलहाल रह रहे हैं, तो उनके भी पति पत्नी और उनके पुत्र भी दोस्तों जैसी भी स्थिति हो, वो भी दोस्तों यहाँ पर समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कौन लोग इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में। देखिए, परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है दोस्तों, वो 2 चरणों में जनरली संपन्न होती है। यहाँ पर एक होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स को दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये स्क्रीनिंग परीक्षा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके मार्क्स आपके मेंस परीक्षा में ऐड नहीं होते हैं। अभी दोस्तों UKPSC ने नियम निकाला है कि आपको प्रीलिम्स में भी यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा में भी न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस परीक्षा में बैठेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या फिर OBC कैंडिडेट
कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको दोस्तों 45% लाना अनिवार्य होगा, ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसको आप एक तरह की स्क्रीनिंग परीक्षा मानिए, इसके मार्क्स आपके मेंस परीक्षा में ऐड नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 45% लाना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आपको मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आप अगले चरण में पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपकी मेरिट बनती है तो दोस्तों वो आपकी मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनती है। दो चरण इसमें होंगे, पहले होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होगी आपकी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों आपसे सामान्य अध्ययन के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन के प्रश्न के अलावा दोस्तों इसमें थोड़ा सा रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के भी दोस्तों आपके क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो परीक्षा का स्वरूप है टोटल आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, प्रश्न दोस्तों टोटल होंगे 150 और इसमें आपको अधिकतम अंक 150 मिलेंगे, 2 घंटे इसका मैक्सिमम दोस्तों समय अवधि रखी गई है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप इसमें पास होना चाहते हैं तो 150 का दोस्तों आप मान के चलिए कि 45% दोस्तों आपने लाना ही लाना होगा, अगर आप नहीं लाते हैं तो आप इसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। बाकी दोस्तों जो अलग अलग कैटेगरी है फिर उनको छूट मिली है, तो जैसे अगर आप और नीचे कैटेगरी पर जाएंगे तो आपको क्या होगी, छूट मिलते चली जाएगी। जैसे SC ST है तो शायद उनको 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। पहले क्या होता था कि स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन हो जाता था, मतलब कि नीचे आपके मिनिमम मार्क्स लाने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, इसको बीच में बंद कर दिया गया था, दोबारा से दोस्तों अब इसको शुरू कर दिया गया। अभी आपने मैंने आपको दिखाया भी था कि बीच में UKPSC ने स्क्रीनिंग जो परीक्षा उसका दोबारा से नए पैटर्न ये लेके आए, मतलब कि न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुख्य परीक्षा की दोस्तों मैं बात करूँ तो मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपके 3 पेपर यहाँ पर होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन का, दोस्तों ये जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, मतलब कि अगेन ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, इसमें आपके 100 अंक मतलब कि 100 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, 2 घंटे का दोस्तों पेपर होता है, जबकि बाकी जो 2 पेपर होते हैं हिंदी का और एक निबंध का, तो दोस्तों ये आपके सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि परंपरागत प्रकृति के, जैसे कि आप अपने कॉलेज में पेपर देते हो निबंध टाइप के, मतलब सब्जेक्टिव, यानी कि आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 5 प्रश्न होते हैं, इसमें 3 प्रश्न होते हैं, इसमें आपको 100 अंक मिलते हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे 3 घंटे मिलते हैं, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जो मेंस है वो आपका 300 मार्क्स का यहाँ पर होता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा इसके मार्क्स आपके नहीं ऐड होंगे, ध्यान रखना है 150 नंबर का, और आपका जो मुख्य परीक्षा दोस्तों आपकी 300 मार्क्स की होती है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके सिलेबस की, तो देखिए जो अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो इसका सिलेबस है दोस्तों वही बेसिक सा सिलेबस है, इसमें आपसे सामान्य विज्ञान के प्रश्न, जनरल साइंस के इसमें क्वेश्चन आते हैं, इतिहास के, अर्थव्यवस्था के, पर्यावरण के, भूगोल के, और इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स आएंगे, इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बोला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, बुद्धि परीक्षण, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। और भी दोस्तों आपके दोस्तों सामान्य विज्ञान के प्रश्न, जैसे आपसे पूछा गया कि भाई कौन कौन से किस टाइप के प्रश्न होंगे, ये दोस्तों आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न होंगे जैसे जनरली आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में जो पहला प्रश्न पत्र होगा अगेन जो आपका सामान्य विज्ञान का होगा, और दोस्तों सेम टू सेम वही है, सामान्य विज्ञान होगा, इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गए, इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर के प्रश्न, ये दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। मेंस में भी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, डिफरेंस कहाँ पर आता है दोस्तों कि जो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होता है, तो द्वितीय जो इसका प्रश्न पत्र होगा यहाँ पर दोस्तों आपसे हिंदी कंपोजिशन के कुल इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए सबसे पहले कोई गद्यांश होगा तो उसका उचित शीर्षक क्या है, सारांश क्या है, गद्यांश में रेखांकित जो अंशों की व्याख्या है इसके आपको दोस्तों 4+10+6 अंक मिलेंगे, और इसी तरह से कोई भी सरकारी पत्र है उसको टेबुलर फॉर्म में सार लेखन है तो उसके 15 अंक मिलेंगे, पत्राचार के जैसे कि शासकीय अर्धशासकीय पत्र कैसे होते हैं, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति, परिपत्र, टिप्पणी, ये दोस्तों आपसे लिखने को कहेंगे तो उसमें भी दोस्तों आपको क्या मिलेंगे 15 अंक मिलेंगे। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, ठीक है ना, मतलब शब्दों का अर्थ क्या है, ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्जन, तो रूपांतरण के दोस्तों आपको जैसे मान लेते हैं अंग्रेजी से हिंदी है तो उसके 12 शब्द दिए गए हैं इनमें से कोई 10 करने होंगे, ऐसे दोस्तों आपको रूपांतरण करना होगा 12 दिए गए शब्दों में से कोई 10 करने हैं, 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण, इसके दोस्तों आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब जो तीसरा प्रश्न पत्र होता है दोस्तों वो आपका ऐसे होता है यानी कि निबंध है, इसमें भी अधिकतम अंक 100 होते हैं, इसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो इसके भी आपके 3 खंड होते हैं क ख ग, और इसमें दोस्तों आपने सिंपली करना क्या होता है कि जो क ख ग है इनमें से 3-3 आपको ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें से आपने कोई भी एक शीर्षक चुनना होता है, जैसे लाइक अगर
आप साहित्य और संस्कृति जैसे मान लेते हैं, आपको खंड कौ है तो इसमें साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से एक कोई आप शीर्षक चुनो और उस पर निबंध लिखो हिंदी या फिर इंग्लिश में, जिसमें आपको शब्द सीमा आपको 600 की दी होगी और इसके लिए आपको 35 अंक मिलेंगे। ऐसी दोस्तों जैसे खंड खौ है तो इसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी या फिर आर्थिक क्षेत्र या फिर किसी व्यापार, इन तीनों में से किसी एक बार क्या कर दो निबंध लिख लो, ठीक है ना। तो ऐसी दोस्तों आपको क्या क्या लिखने होंगे, टोटल मिला के 3 निबंध लिखने होंगे जिसके लिए आपको टोटल मिला के 9 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। अब दोस्तों जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपसे थोड़ा, जैसे कि मान के चलिए कि जैसे मैं बात करता हूँ, अगर आप रिव्यू ऑफिसर की बात करेंगे तो रिव्यू ऑफिसर के लिए दोस्तों आपका क्या होता है कि कंप्यूटर की एक परीक्षा होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी की, तो समीक्षा अधिकारी से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एक भाग 1 होगा, सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है वो आपसे कैसे पूछी जाएगी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, तो आपसे दोस्तों यहाँ पर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इससे दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर जो यहाँ पर इसके टोटल मिला के दोस्तों 5 भाग हैं, तो जैसे विंडो और इंटरनेट है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट है, तो सबको दोस्तों क्या है 20-20 मार्क्स इसके दिए जाएंगे, ठीक है। ये 20 मार्क्स का पूछेंगे, ये 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, टोटल मिला के कितना हो गया 100 मार्क्स। इसमें से दोस्तों आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है और ये क्वालिफाइंग नेचर का, तो आप 100 में से 100 भी लाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 में से 40 भी लाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको क्या करना है टोटली आपने क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद आपका दोस्तों जो भी आप इसमें करेंगे प्रिंट आउट है, जितना भी आउटपुट होगा वो दोस्तों आपका इवैल्यूएशन के लिए लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि जितने भी आप जो भी इसमें आप भाग एक में जो भी आप अंक गेन करेंगे वो आपके मेंस के रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका भाग 2 आता है, हम कंप्यूटर पेपर की दोस्तों बात कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों आपका क्या है कि जहाँ पर अनिवार्य चीज़ क्या है वो है कि आपकी हिंदी टाइपिंग में स्पीड निकलनी चाहिए, ठीक है। 10 मिनट का दोस्तों आपको समय दिया जाएगा और आपकी आठ हजार की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। ये दोस्तों आपका किसके लिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, मतलब कि अगर आप ARO बनना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप 9000 की डिप्रेशन की अंग्रेजी में अगर आप स्पीड निकालते हैं तो आपको अधिमान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भाग 2 को निकालेगा तो उसको दोस्तों अधिमान दिया जाएगा। अब देखिए रिव्यू ऑफिसर के लिए क्या है, यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए क्या अनिवार्य है कि आपको हिंदी टंकण की 10 मिनट में 4000 की डिप्रेशन की गति निकालनी है। जैसे कि भैया ARO के लिए तो ज़्यादा है, उसके लिए 8000 है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए 4000 की होगी। और अगर आप अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन की गति निकालते हैं तो फिर आपको अधिमान दिया दोस्तों यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद ही दोस्तों आपके अंकों का यानी कि फाइनल रिजल्ट दोस्तों आपका निकल के आएगा। तो आपके इसमें कंप्यूटर के मार्क्स जुड़ेंगे और इसके अलावा दोस्तों जो आपका मेंस में आप जो आपका 300 मार्क्स का पेपर है उसके दोस्तों मार्क्स जुड़ के फाइनल दोस्तों आपकी मेरिट यहाँ पर निकलेगी। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो में आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कब इसका एग्ज़ाम होगा। जून में दोस्तों इसका एग्ज़ाम किया जा रहा है। अभी से दोस्तों आप यहाँ पर से अच्छी प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स निकाल के लिए दोस्तों आपने प्रिपरेशन करनी है, तो आप दोस्तों उसी हिसाब से अपनी टाइम टेबल को बना के इसके प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।